हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आंसर की को डिस्कस करेंगे, जो आपका एक पेपर है एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ का। तो उसको हम इसमें आंसर की को डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैंने बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ऑलरेडी मैंने थ्योरी सेशंस प्लस एमसीक्यू दोनों मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया है लास्ट टाइम रिविजन के तौर पे। और आई होप यू आप लोग के पेपर्स अच्छे ही हो रहे होंगे। तो पेपर आउट करिए और आंसर्स को मैच करिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो वहाँ पर वो पिन करिए, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी बताइए, और कितने गलत हुए हैं वो भी पिन करिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश आर द फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल्स टू द सक्सेस ऑफ वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एसेंशियल होता है किसके लिए, फॉर द सक्सेस ऑफ बहुत सारे वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पहला फैक्टर कहता है मिशन क्रिटिकल फैक्टर्स, बी कहता है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, सी कहता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, की डी है स्ट्रेटेजिक फैक्टर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पहले का सी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ये कैसे फैक्टर्स होते हैं जो एसेंशियल्स होते हैं टू द सक्सेस ऑफ वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी, दैट इज योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर टॉप मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाई डैश इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक बात और है, जो मैंने जितने भी आपके एमसीक्यू कराए हुए हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी फंसे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आप मैच करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं उसी में से आपके आए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो टॉप मैनेजमेंट का होता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, एक्सपर्ट के द्वारा, डिसीजन के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कि मैनेजेरियल के द्वारा। तो क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, वो किस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज योर सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज योर डिसीजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, डैश इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंगनेस, टेस्टिंग इंश्योर्स दैट द सिस्टम इज फ्री ऑफ एरर एंड इज रेडी टू बी प्लेस्ड इनटू ऑपरेशन। ऐसा कौन सा टेस्टिंग का टाइप है जो ये करता है कि फ्री ऑफ एरर और उसको रेडी टू बी प्लेस्ड इन ऑपरेशन, स्ट्रेस ऑडिट टेक्निकल की डेटा। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑडिट एक टाइप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि जो है उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, डैश प्रोसेसिंग इज कंसर्न्ड एज अ क्लासिकल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस जो कंसिडर्ड किया जाता है एज अ क्लासिकल मैथड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, बैच प्रोसेसिंग, ग्रुप प्रोसेसिंग, सिक्वेंस प्रोसेसिंग, की रियल प्रोसेसिंग। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज योर ए, बैच प्रोसेसिंग एक ऐसा कंसिडर्ड होता है, दैट इज अ क्लासिकल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है, एस सी एम स्टैंड फॉर सप्लाई चेन मेथड, बी है सप्लाई कलेक्शन मैनेजमेंट, की सी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, की डी है सर्च चेन मैनेजमेंट। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, एस सी एम स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा आपका पांचवें का आंसर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, डैश मीन्स दैट इंफॉर्मेशन मस्ट रीच द रिसिपिएंट्स विद इन प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम। ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन है, ड्यूरेशन, टाइम लाइननेस, पीरियड की टाइम। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, टाइम लाइननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। इसमें से एक गुड इन्फॉर्मेशन की विशेषता नहीं है, इंटरचेंजेबिलिटी, बी है रिलेवेंस, सी है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, की डी है टाइमलाइननेस। तो इसमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अच्छे इन्फॉर्मेशन का, गुड इन्फॉर्मेशन का। तो सेवन्थ का आंसर हो जाएगा आपका ये, इंटरचेंजेबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपके गुड इन्फॉर्मेशन का, इसलिए सेवन्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, डैश इज एन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वेज दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी मेड यूजफुल टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक टास्क और रीच अ डिसीजन। तो ऐसा कौन सा है अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन का, ए प्रोसेस, डेटा, फीडबैक की नॉलेज। तो एट्थ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि नॉलेज एक होता है जिससे कि हम क्या अवेयर होते हैं, और अंडरस्टैंडिंग एक होती है सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन की, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क या कोई डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन है, द डैश इन्फॉर्मेशन सिस्टम डील्स विद द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डील करता है एज अ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पीपल वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड की ब्लॉक। तो नाइन का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर, अगर हम बात करें द डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ एंड स्टैंडर्डाइज कॉमन बिजनेस ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स सप्लायर्स और कस्टमर्स, EDI, ES, EIS की ERP। तो डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्डाइज और जो कॉमन बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं जो बिजनेस पार्टनर सप्लायर्स और कस्टमर्स वो क्या होते हैं, तो 10th का आंसर हो जाएगा आपका दैट इज योर EDI। 10th का ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है एक थ्योरी है, वो किस थ्योरी के अंदर आता है, परसेप्शन थ्योरी के, कंटेंट थ्योरी, एट्रीब्यूशन की, प्रोसेस थ्योरी, तो वो आता है आपके प्रोसेस थ्योरी के अंदर आता है, दैट इज 11th का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश कंटेन्स द थ्योरीज विच गिव एन आइडिया अबाउट द एम्प्लॉई वॉन्ट्स या नीड्स। यहाँ नीड्स की बात कर रही है तो काफ़ी बच्चे किस पे टिक लगाए होंगे, मैस्कुले पर टिक लगाए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो एक आइडिया देती है अबाउट द एम्प्लॉई के वॉन्ट्स या उनकी नीड्स के, तो 12th का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंटेंट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटरप्राइज सपोर्ट सिस्टम ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, कि सी ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस होता है, कि सारे के सारे होते हैं, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा कि सारे के सारे क्या होते हैं, ये इसके प्रोसेस होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंटरप्राइज सिस्टम सपोर्ट होते हैं, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस होते हैं, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ये सेट ऑफ डाटा अवेलेबल टू द यूजर इज सो कॉल्ड स्टार्ट यूजर डाटा, डेटाबेस की, एंड यूजर डाटा की, नन ऑफ दीज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि वो सेट ऑफ डाटा जो अवेलेबल होते हैं यूजर को उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर एंड यूजर डाटा। 14 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोटोटाइप आर्ट, इट अलाउज द डेवलपर्स टू एक्सपेरिमेंट विद नंबर ऑफ डिफरेंट डिजाइन ऑप्शंस। बी कह रहा है कि इट कैन बी सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड कस्टमर्स, की सी बोथ हैं एंड बी की नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सा एक प्रोटोटाइप का एडवांटेज है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों के दोनों जो है एडवांटेज हैं प्रोटोटाइप के, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, RAD स्टैंड फॉर रोटिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बी है रजिस्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, की सी है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, की डी है रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो 16th का आंसर हो जाएगा दैट इज योर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटा बेस मॉडल, इसमें से सबसे जो है मोस्ट पॉपुलर डेटा बेस मॉडल पूछा है, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का दैट इज रिलेशनल मॉडल जो है सबसे पॉपुलर डेटा बेस मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच गिव्स द कंप्यूटर द एबिलिटी टू मेक सजेशन एंड एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ऐसा कौन सा कंप्यूटर एबिलिटी है जो कि सजेशन देता और एक्सपर्ट मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, तो 18 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, वो कंप्यूटर का एबिलिटी टू मेक सजेशन और एक्ट लाइक अ पर्टिकुलर इन अ एक्सपर्ट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द अकाउंटिंग सिस्टम इज अ डैश वेयर एज द डिमांड फॉरकास्टिंग सिस्टम इज डैश, ए है डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक, बी है प्रोबेबिलिस्टिक की डिटर्मिनिस्ट, की सी है ओपन क्लोज की डी क्लोज की ओपन। जो तो अकाउंटिंग सिस्टम 19 का आंसर हो जाए आपका 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अकाउंटिंग सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक होता है और डिमांड फॉरकास्टिंग क्या होता है प्रोबेबिलिस्टिक होता है, इसलिए 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसीव इनपुट फ्रॉम द EIS, क्या करता है EIS, TPS की DSS की ES, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इनपुट रिसीव करता है किससे, तो 20 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी TPS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश फोकसेस ऑन प्लानिंग पॉलिसीज and procedures regarding the use of corporate data information, CIO system analytic database administrator की system operator, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा जो है वो focus करता है planning पे policies और procedure पे, तो 21 का answer हो जाएगा that is your option number A हो जाएगा यहाँ पर आपका सही CIO।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश इज एनी बिजनेस रिलेटेड एक्सचेंज सच एज अ पेमेंट टू एम्प्लॉइज, सेल्स टू कस्टमर या पेमेंट टू सप्लायर, ऐसा कौन सा बिजनेस रिलेटेड एक्सचेंज होता है? ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स, डेटा की इनपुट। तो 22 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए, ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है 23 है, प्रॉब्लम्स दैट आर वेल रूटीन एंड हैव अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम डिसीजन, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स की डी है हेरिस्टिक्स। तो वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो कि रूटीन और वेल डिफाइंड रिलेशनशिप्स, उसे हम क्या बोलते हैं? 23 का ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरैक्टिव, सी है ग्राफिकल यूजर इंटीग्रेशन, किस डी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ आपका क्या है कि GUI स्टैंड फॉर, काफी इजी क्वेश्चन है आपका, इट स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, डाटा इंक्रिप्शन कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है किस पर्पज के लिए? डाटा हिडन पर्पज के लिए, कि डाटा को ट्रांसफर के लिए, कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए, कि डाटा डिस्प्ले के लिए? तो 25 का यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, डाटा ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 26 क्वेश्चन यहाँ पर है कि EDI स्टैंड फॉर क्या है? EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिकल डेटा इंटरचेंज, वर्क फ्लो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की डी है इनहेंस डाटा इंटरचेंज। तो EDI स्टैंड फॉर 26 का ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, अकाउंटिंग, फाइनेंशिंग, मार्केटिंग ऑन ह्यूमन रोड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज से हम किस नाम से जानते हैं? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की, फंक्शनल बिजनेस एरियाज की, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो 27 का जो आंसर होगा दैट इज बी, इसको हम किससे जानेंगे? फंक्शनल बिजनेस एरियाज। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच, इसमें से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का एडवांटेज है? डाटा जो है डिपेंडेंट होते हैं प्रोग्राम पे, डाटा जो होते हैं रिडक्शन ही होते हैं इंक्रीज, किसी है डाटा इंटीग्रेटेड और असिस्ट बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स की डी, नन ऑफ दीज। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, कि डेटा इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम, डाटा रिडंडेंटली इंक्रीजेस। तो डाट इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 का सी, दैट इज कि डेटा इंटीग्रेटेड होते हैं, असिस्ट बाय होते हैं मल्टीपल प्रोग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ह्यूमन मशीन बेस्ड सिस्टम, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एन इंटीग्रेटेड एंड इंटरसेलर, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वो क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड ह्यूमन मशीन बेस्ड सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, पीटर ड्रकर, माइकल पॉटर, फिलिप कॉटलर की हैंसी मिसबर्ग। तो किसको प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, दैट इज माइकल पॉटर। तो इसलिए 30 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, डैश इज अ कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन इट्स ऑन, ये भी क्वेश्चन कराया गया हुआ है, IoT, VR, MIS की AI। तो AI जो होता है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इट इज अ कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन इट्स ऑन, इसलिए 31 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 32, इन अ कंप्यूटर सिस्टम द नंबर सिस्टम ऑफ 0 and 1 इज नोन एज डैश सिस्टम, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और कराया हुआ क्वेश्चन है, रूट नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स है, कि लीनियर की बाइनरी। तो 0 और 1 ये क्या होते हैं, दैट आर बाइनरी नंबर्स। नेक्स्ट है 33 है, ई बिजनेस जो है नहीं पॉसिबल होता है विदाउट इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट के PC। तो इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस होता है बिना पॉसिबल नहीं होता किसके, इंटरनेट के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 34 डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन द SDLC, SDLC में जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डिज़ाइन डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहला जो इसमें प्रोसेस होता है आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 34 का, दैट इज़ योर ए, डिज़ाइन डेवलपमेंट। नेक्स्ट 35 फॉर अ मैनेजर की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट यहाँ पर आपका होता है इन्फॉर्मेशन के क्वालिटी का, मीडिया, प्रेजेंटेशन, मैनुपलिकेशन की यहाँ आपका रेलेवेंस। तो एक मैनेजर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका सबसे एक इन्फॉर्मेशन, तो दैट इज़ योर क्या हो जाएगा आपका
मीडिया आई थिंक। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कि 35 का क्या आंसर आपने टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन बाइट इज मेड अप ऑफ 4 bits, 8 bits, और एक क्वेश्चन स्किप हो गया। हाँ, द इन्फॉर्मेशन ऑफ MIS कम्स फ्रॉम द, ये भी क्वेश्चन कराए हुए, इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स की, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स की, नन ऑफ दिस। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है MIS कम फ्रॉम द बोथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वन बाइट इज मेड अप ऑफ 4 bits, 8 bits, 12 bits, 16 bits। तो वन बाइट जो होता है वो मेड क्या होता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, 8 bit, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, MIS नॉर्मली फाउंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर की, ऑल ऑफ दी अबव। तो 36, 38 का आंसर रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, वो यूजिंग अ डैश डिसीजन मेकर कैन मेक हाइपोथेटिकल चेंजेस टू अ प्रॉब्लम डेटा एंड ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स, स्टिमुलेशन व्हाट इफ एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन की गोल चेकिंग एनालिसिस, इसका आंसर हो जाएगा 39 का, दैट इज व्हाट इफ एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक नहीं गोल होता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का, जिसे हम TPS बोलते हैं, कैप्चर प्रोसेस एंड स्टोर ट्रांजेक्शन बी है कि प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज, एंड सी है रिड्यूस मैनुअल एफर्ट एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन की, डी है प्रोड्यूस स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स यूज फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूस स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स यूज फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये इसका एक गोल नहीं है। तो आई होप यू आपको 40 क्वेश्चन आपने मैच किया, कमेंट करिए आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं।